नाजरीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का एम के न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाजरीन नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। देखिए फैमिली, आप देख सकते हैं हमारी दिखाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो चार जाने चली जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए हम गवर्नमेंट से पुरजोर मदद करते हैं, इसकी जल्द जल्द इसका एक्शन ले और इसका जो हो सके इसको ब्रिज रोड को हाइट करते हुए ब्रिज का काम चालू करें। नजरुद्दीन, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ हैदराबाद डिवीजन सेक्रेटरी और CPI असिस्टेंट सेक्रेटरी, मैं इस रोड पे ठहरा हुआ हूँ। मैं यहाँ जो आप ये रोड की हालत देख रहे हैं, ये अलगोल अलाना कंपनी से जाने वाली रोड है। एक बार नहीं, हम लोगों ने इसका बार बार हमने कंप्लेंट किए हैं, PW को कंप्लेंट किए हैं। यहाँ पर रोज़ा बारिश, दो तीन दिन से बारिश चल रही है यहाँ पर जहीराबाद के अंदर। ऐसे दानिशमंद हजरात रहने के बावजूद, दानिशमंद लीडर रहने के बावजूद इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। यहाँ पर मैं दो दिन से तीन दिन से देख रहा हूँ, कल एक ज़ईफ हजरात के एक्सीडेंट होकर उसका पैर टूटा है। कई हजरात बड़े बड़े गाड़ी यहाँ पर अलाना कंपनी रहने के बावजूद कई टनों से गाड़ियों से कई टनों से माल लेके जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ का पुरसाने हाल कोई नहीं है। इसीलिए हम ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से और CPI की जानिब से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर इसका जल्द अज जल्द आप इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो हम ऊपर तक जाएंगे और पुरजोर तरीके से इसका एहतजाज करेंगे। हम ये जो भी महकमे को काम जाता है वो जल्द अज जल्द उसका एक्शन ले और एक्शन लेने के बावजूद इसका पानी का रास्ता निकाले, रोड को हाइट बनाए और ब्रिज का काम करते हुए यहाँ पर हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जहीराबाद के अंदर दानिशमंद हजरात रहने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर जाओ जाओ।